अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुमायूं अली और आप देख रहे हैं इन डेप्थ रिव्यूज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो हुआवी मेट 20 प्रो के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसको लेकर आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे कि कब ये सेल फोन आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलेगा और किन किन फीचर्स के साथ मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जो सेल फोन है वो आप लोगों को पाकिस्तान में कब देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि आखिर इस फोन में हमें क्या देखने को और इसकी प्राइस क्या है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूं बगैर टाइम जाए किए, खड़ी है फिर शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि हुआवी मेट की जो पूरी सीरीज है जो चल रही है वो काफी जो है वो धमाकेदार होती है और एक काफी अच्छी जो है वो मतलब अपग्रेडेशन के साथ हमें मिलती है। इस बार भी हमें हुआवी मेट 20 प्रो के अंदर काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल डिजाइन की बात कर लेता हूं सबसे पहले सेल फोन की, तो यहां पर आप लोगों को जो है वो बैक पर जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। इससे पहले जो है वो ट्रिपल कैमरा सैमसंग ने जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन डिजाइन जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। उनकी जो है वो वर्टिकल में थे, इनके जरा एक बॉक्स बना उसके अंदर ट्रिपल कैमरा और साथ में आप लोगों को एलईडी फ्लैश मिल जाता है। सैमसंग ने तो जो है वो फोर्थ कैमरे का भी जो है वो सेल फोन जो है वो लॉन्च कर दिया, वो आप लोगों ने देखा होगा काफी यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह। A8 था शायद मेरा ख्याल है उसका मॉडल। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो हुआवी मेट 20 प्रो के अंदर आप लोगों को चीजें मिलेंगी, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात कर लेता हूँ। तो डिस्प्ले आप लोगों को वो सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिल जाएगी, 6.3 इंच की डिस्प्ले, 87.9% जो है वो इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो मतलब इसकी जो साइड पे जो बार होती है ना जो आप लोगों को नजर आ रही होगी ब्लैक कलर की, वो इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की जो है वो इसकी लेंथ होती है वो मेजर की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल जो डिजाइन है वहां पर स्क्रीन पर वो आप लोगों को एक नॉच देखने को मिलेगी, जैसे कि आईफोन के अंदर आप लोगों को नॉच देखने को मिल जाती है वैसे ही एक नॉच है। नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी बार नजर आ रही है और मतलब साइडें तो बिल्कुल एजीज ही हैं एक साथ की, और बैक पर आप लोगों को जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, साथ में एलईडी फ्लैश मिल रहा है। इसी के साथ मेन बात कर लेता हूं इसकी जो है वो रैम, इसकी मेमोरी और इसकी जो है वो साथ में साथ आपको सीपीयू और चिपसेट की। तो चिपसेट आप लोगों को इसके अंदर जो है वो हाई सिलियन इस तरह की कोई हुआवी की जो है वो चिपसेट होती है वो आप लोगों को मिलेगी। स्नैपड्रैगन इसके अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, वो आप लोगों को सैमसंग के सेलफोन में ज्यादातर देखने को मिलता है। यहां पर इनका अलग की एक चिपसेट है वो आप लोगों को मिलने का। सीपीयू की बात करूं तो वो 2.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर विद कॉर्टेक्स A76 चिप्स के साथ एक मिलेगा, 1.6 जो है वो GHz का कॉर्टेक्स A76 के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा सीपीयू। उसी के साथ साथ आप लोगों को जो तीसरा है वो 2.0 GHz का कॉर्टेक्स A56 के साथ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली में ऑक्टा कोर के जो सीपीयूज हैं वो आप लोगों को तीन मिलेंगे, तो काफी अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन होने वाला है और स्पीड भी आप लोगों को काफी सेल फोन में देखने को मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके रैम के बारे में और इसकी मेमोरी के बारे में, यहां पर आप लोगों को जो है वो इसके अंदर भी दो वेरियंट मिल जाएंगे, जैसा कि आजकल हर एक मोबाइल के अंदर दो वेरियंट मिल जाएंगे, एक 128 GB वाला और एक 256 GB वाला। एक 128 GB वाला है वो 6 GB रैम के साथ आप लोगों को मिल जाएगा, जो 256 GB वाला है वो 8 GB रैम के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब के काफी अच्छा एक आप लोगों को पैकेज मिलने वाला है, 2 GB मेमोरी, 8 GB जो है वो आप लोगों को रैम मिलने वाली है और मतलब काफी धमाकेदार जो है वो सेल फोन होने वाला है। उसी के साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ इसकी मेमोरी कार्ड स्लॉट की, 256 GB तक आप लोग जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी मेमोरी को, नैनो मेमोरी कार्ड सिम की जो है वो एक स्लॉट दी गई है सेल फोन में। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में जो जिन्होंने काफी धूम मचाई हुई है, ये वीडियो काफी लंबी जाने वाली तो इसको लास्ट तक जरूर देखें, इसके अंदर मैं सारी जो है वो चीजें क्लियर करने वाला हूं। तो कैमरा की बात कर लेता हूं तो ट्रिपल कैमरा आप लोगों को बैक पर मिल जाएगा, जो सबसे पहला कैमरा है वो है 40 MP का 1.7 अपर्चर के साथ वाइड एंगल कैमरा है। जो दूसरा कैमरा है इसी के साथ वो है 20 MP का 2.2 अपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल का, यानी कि वो आपकी एक ये आप लोग मेरी बैकग्राउंड देख रहे हैं वो इसको ज्यादा जो है वो मतलब पीछे वाइड कर देगा और आपको काफी ज्यादा जो है वो एंगल लेने में मदद करेगा। और वाइड वाला तो मतलब जितनी के इतना सा वाइड है इससे थोड़ा सा वाइड करो, अल्ट्रा वाइड बहुत ज्यादा वाइड कर देगा। उसी के साथ मेन कैमरा जो है वो इसका 8 MP का है, वो टेलीस्कोप कैमरा है इसका, जो कि आपकी पिक्चर क्लिक करेगा और आप लोगों के मतलब काफी अच्छे कॉम्बिनेशन बनाकर आप लोगों को पिक्चर का देगा। अल्ट्रा वाइड वगैरह जो आप लोग फीचर्स वगैरह यूज कर सकते हैं वही कैमरा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर फ्लैश की बात करूं तो डुअल टोन फ्लैश आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को मिलना ही था इतने कैमरास के साथ। फ्रंट की बात कर लेता हूँ, फ्रंट फेसिंग पर आप लोगों को सिंगल कैमरा मिलेगा, यहाँ पर ड्यूअल सेटअप नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले हुआवी के अंदर आप लोगों को ड्यूअल सेटअप भी मिल चुका है।
लेकिन इसमें आप लोगों को जो है वो सिंगल कैमरा मिलेगा 24 मेगापिक्सल का, और मतलब काफ़ी अच्छा ये इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है 24 मेगापिक्सल की, क्योंकि मतलब हुआवी का आप लोगों को पता है कि कैमरास काफ़ी अच्छे होते हैं, ओप्पो वगैरह के भी कैमरास बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन हुआवी किसी से कम नहीं, तो हुआवी का भी कैमरा जो है वो काफ़ी बात आप अच्छा लोगों को होने वाला बताना है। भूल गया, जो बैक पर आप लोगों को टेलीस्कोप कैमरा मिलेगा वो 5x जूम तक जो है वो आप मतलब 5x जूम कर सकते हैं, काफ़ी एक नॉर्मल जूम से काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है वो एक चीज़ को जूम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। अब वीडियो की बात करूँ तो आप लोगों को जो है 1020p के अंदर 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 1020 20 पिक्सल के अंदर आप लोग जो है वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत ही स्लो मोशन जो है वो एक शॉट लेना चाहते, जैसे आप लोगों को पता है कि सैमसंग गैलेक्सी S9 के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था, वो बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन 9960 था शायद FPS उसका, तो इसके अंदर भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा 720p के अंदर। उसी बात के करूं साथ तो साथ यार सेल फोन के मजीद इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। अब इससे पहले आप लोगों ने वीवो नेक्स के अंदर भी फिंगरप्रिंट डिस्प्ले स्कैनर देखा होगा, और काफी सेल फोन के अंदर आप लोगों को ये चीज देखने को मिल गई होगी, लेकिन हुआवी ने इसको अब इम्प्लीमेंट किया है तो ये काफी अच्छा होने वाला है, और इसकी स्पीड भी मैंने वीडियोस देखी थी तो काफी अच्छी थी, वीवो नेक्स से तो काफी अच्छी थी, वो एक दो बार मिस कर जाता है लेकिन इसने मिस नहीं था किया। जो हुआवी मेट 20 प्रो का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी अच्छा है। इसी के साथ साथ आप लोगों को जो है वो फेस आईडी फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपके जो अप्रोक्सीमेटली कैंपास वगैरह जो जो भी सेंसर्स है वो सब कुछ आप लोग इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ आप लोगों से मैं बात कर लूँ कि आप लोगों को इसके अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। अब वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसा कि आप लोगों को सैमसंग के अंदर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है कि अगर आप इसको 30 मिनट जो है वो चार्ज करेंगे तो ये 70% मतलब 30 मिनट अगर आप लगाएंगे तो 70% जो है वो इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर बैटरी की बात आई है तो इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को इसकी बैटरी की बता दूं कि यहाँ पर आपको बैटरी जो है वो आपको 4600 mAh की यानी 4600 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। इससे पहले हुआवी के किसी सेल फोन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कितनी ज्यादा बैटरी प्रोवाइड की गई हो, इस सेल फोन के अंदर आप लोगों को काफी जो है वो बैटरी प्रोवाइड की गई है, और उसी के साथ साथ एक मजे की बात आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो बैक है वो एक पावर बैंक की तरह भी काम करती है। अगर आप अपना कोई भी मोबाइल जो वायरलेसली चार्ज होता है वो इसकी बैक के ऊपर रखते हैं तो वो वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात थी। हुआवी ने ये चीज मतलब काफी एक अच्छी जो है वो इम्प्लीमेंट की है, इससे पहले मेरा नहीं ख्याल किसी भी सेल फोन के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली है। ये चीज मैं दिन देखी थी तो बड़ा हैरान हैरान हुआ था कि मतलब काफी अच्छी एक चीज है कि अगर आप लोगों का कोई सेलफोन है वो वायरलेसली चार्ज होता है, सेलफोन यूज करना है इसको नहीं यूज करना तो आप बेसिकली में इसको ऊपर रख के तो आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। बाकी सब वही छोटे छोटे फीचर्स हैं आप लोगों को ड्यूल सिम इसके अंदर मिल जाएगी, LED नेटवर्क की स्पीड मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो है वो अगर नीचे की बात कर लो तो आप लोगों को हेडफोन जैक मिल जाएगा, जो वॉइस कैंसलेशन भी है इसके अंदर, मतलब कुछ फीचर्स वगैरह हैं, आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाती है फास्ट चार्जिंग के साथ साथ, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो तो है मैं मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ इस सेल फोन की, आपको फ्रंट पर भी ग्लास देखने को मिल रहा है और बैक पर भी ग्लास देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों की जो है वो ग्लास एल्युमिनियम के ग्लास बनाए गए हैं जो कि काफी अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, काफी मतलब एक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक मतलब अट्रैक्टिव लुक होती है, तो सेल फोन काफी अच्छा जो है वो जाने वाला है। पाकिस्तान में ये सेल फोन आप लोगों को काफी जल्दी देखने को मिलेगा, अभी अक्टूबर है तो नवंबर में जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ये सेल फोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियली आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस है प्राइस की बात कर लूँ तो आप लोगों को मतलब 1,30,000 तक एक्सपेक्टेड प्राइस है, अभी मतलब कोई कंफर्म प्राइस नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1,30,000 तक इसके प्राइस होंगे, और मुझे भी लगता है कि 1,30,000 तक पाकिस्तान में इसके प्राइस होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर फीचर्स और चीजें वगैरह हैं उस हिसाब से इस सेल फोन के प्राइस काफी ज्यादा होने वाले हैं पाकिस्तान आप में। लोगों को जो कलर मिल जाएंगे वो है एमरल्ड ग्रीन मिल जाएगा आप लोगों को, उसी के साथ साथ आप लोगों को मिडनाइट ब्लू मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, और एक ब्लैक कलर मिल जाएगा जो कि काफी मतलब एक अच्छे कॉम्बिनेशन और अच्छे कलर्स के साथ आप लोगों को मोबाइल प्रोवाइड किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो है वो छोटी छोटी चीज भी पता चल गई होगी कि आप लोगों को सेल फोन के अंदर क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला पाकिस्तान में। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आइंदा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर सके, आप लोगों तक सबसे पहले वीडियोस पहुंच सके, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस मोबाइल के रिलेटेड या कोई भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।